शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 49। ये वर्कशीट आपकी 6 to 8 क्लास की है, मैं बना रही हूँ, ये एक ही लैंग्वेज में आई है, आप लोग इसे इंग्लिश की कॉपी में करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक ही लैंग्वेज की वर्कशीट है, ये हिंदी में नहीं आई है, तो आपकी ये इंग्लिश की वर्कशीट है, आप लोग इसे इंग्लिश की कॉपी में कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, इसके अलावा क्लास डाल देंगे, वर्कशीट नंबर 49, अपना नाम, डेट और अपनी क्लास टीचर का नाम आप लोग डाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा थीम क्या है, डिस्क्राइबिंग वेदर, यानी कि आपको मौसम के बारे में बताया जा रहा है। तो टास्क ए आपका क्या है, रीअरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड्स एंड गेस द वेदर। जो नीचे आपको वो दिए गए हैं उनको आपको पढ़ना है और उसके बाद इनको रीअरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहला आपका ये लिखा है ना, NUY NYUSN, इस तरह से, तो इसको हम बनाएंगे सनी, क्योंकि हमें ऊपर की पिक्चर्स देखनी है। दूसरा क्या हो जाएगा, वैनी। दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, क्लाउडी। चौथा क्या हो जाएगा, रेनी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे रीअरेंज करके लिख लेंगे। अब आप पूछेंगे मैम इसकी पिक्चर बनानी है, तो देखिए आप लोग इसे जंबल वर्ड्स की तरह लिखेंगे। आप लोग इसकी पिक्चर अगर बना सकते हैं तो बना लें, अच्छी बात है। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप लोग ऐसे एक तरफ इसको लिखें और उसके जस्ट सामने उसका आंसर लिखें, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आप इसे लिखें और इसके जस्ट सामने इसका आंसर लिखें, ठीक। तो अब आपका टास्क बी क्या है, हाउ इज़ द वेदर टूडे। तो अब आज का वेदर कैसा है, तो आज का वेदर सनी है, टूडे वेदर इज़ सनी, तो इसलिए मैंने सनी लिख दिया, धूप है आज, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बारिश होने वाली है तो आप क्लाउडी लिख लेंगे, वो सॉरी बादल हैं तो क्लाउडी लिख लेंगे, बारिश होने वाली है तो आप लोग रेनी लिख लेंगे, धूप है तो हमने सनी लिख ही दिया है, ठीक है। हवा चल रही है या ऐसा है कि बादल भी है और सूरज भी दिख रहा है, ठीक है। तो और या फिर कुछ और टाइप का ही मौसम है, अभी धूप आ गई, अभी बारिश होने लगी, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब आपका थर्ड टास्क क्या है, रीड द पैराग्राफ्स गिवन बिलो, यानी नीचे जो वर्ड्स दिए गए इन्हें अच्छे से पढ़ें, राइट दैम इन द अप्रोक्सलेट कॉलम इन द टेबल, और जो नीचे टेबल दी गई है उनके कॉलम के हिसाब से उन्हें लिखे। तो देखिए इसे आप कैसे भी लिख सकते हैं, जो मुझे सही लगा मैं वो लिख रही हूँ, ठीक। तो अब क्या लिखा है, इन ऑन अ हॉट सनी डे, यानी गर्मी के दिन में, वाई वो वॉट यू कैन डू और वॉट यू कांट डू, यानी कि वो जो आपको करना चाहिए और वो क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए। तो अब गर्मियों के दिन में हमें क्या करना चाहिए, इंजॉय अ कोल्ड ड्रिंक, यानी हमें कोल्ड ड्रिंक पी के मज़े करना चाहिए। वेयर अ स्वेटर, यानी हमें स्वेटर नहीं पहनना चाहिए। क्लाउडी डे, यानी कि बादल वाले दिन, जिस दिन बादलों में क्या करना चाहिए, वॉच द क्लाउड, यानी हमें बादल को देखना चाहिए। सी द सन, हमें सूरज को नहीं देखना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो सी द सन सूरज को देखना चाहिए, तो क्या है भाई बादल वाले दिन जब बादल हैं तो उसमें तो आपको सूरज दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब लिखा है ऑन अ वाइंडी डे, यानी कि हवा जब चल रही हो तो क्या करना चाहिए, फ्लाई अ काइट, हमें पतंग उड़ानी चाहिए। सी अ रेनबो, या इंद्रधनुष देखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष हम नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि इंद्रधनुष कब निकलता है, जब बारिश होती है, ठीक। अब रेनी डे का लिखा है, रेनी डे का क्या लिखा है, यूज़ एन अम्ब्रेला, हमें अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना चाहिए, गो विदाउट एन अम्ब्रेला, लेकिन हमें कभी भी बाहर बिना अम्ब्रेला के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है फॉगी डे, फॉगी डे किसे कहा जाता है, जब सर्दियों के मौसम में धुंध होती है ना, उसको कहा जाता है फॉगी डे, ठीक है। तो अब क्या लिखा है, हमें उस दिन जो है गाड़ी या अपने आप जब हम पैदल चल रहे हैं रोड पे, तो हमें सावधानी से चलना चाहिए, क्यों, क्योंकि कोहरा होता है तो हमें कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। फ्लाई अ काइट, और क्या पतंग उड़ाना चाहिए, नहीं पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, क्यों, क्योंकि पतंग उड़ा ही नहीं सकते आप, इतनी तेज़ सर्दी लगेगी आपके हाथ जम जाएंगे, है ना। चलिए अब हम टास्क नंबर 4 देखते हैं। तो टास्क 4 क्या है, लेट्स मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। अब आपको यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ उसके नाम दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से मैच करना है, ठीक है। तो हम मैच करते हैं, तो देखिए पहला आपका क्या है, यहाँ पे सूरज भी दिख रहा है और बादल भी हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टी क्लाउडी डे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखें, यहाँ पे बिजली भी चमक रही है और बादल भी है, तो थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे फॉग है, धुंध हो रही है, तो ये क्या लिख लेंगे आप, फॉगी डे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो आपका बचा है, इसमें देखिए बारिश हो रही है, हेल स्टोन यानी मूसलाधार बारिश या ओले गिरना, ठीक है, ये ओले गिर रहे एक तरह से। अगर आप वैसे देखेंगे तो हेल स्टोन का मतलब होता है कि मूसलाधार बारिश होना, लेकिन हेल्थ का मतलब वैसे ओले भी होता है, यानी ओलों के साथ जो बारिश होती है उसको कहते हैं। बहरहाल आप लोग इस तरह से ये मैचिंग कर लेंगे और इस तरह से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।